शख्स, मेरा नाम पूर्वा है, मैं 25 साल की हूँ, मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और मैं गुड गुड पिगी की फाउंडर। वेट 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 वेट। आज मैं 22 डेज से वेजीज खा रही हूँ और मैं डांस कॉम्पिटिशन में भी फर्स्ट टाइम। कंग्रेट। लेकिन आपने प्रॉमिस किया था कि आप मुझे रिवॉर्ड दोगे। आजकल कॉइन्स कौन यूज करता है? शार्क्स, आपके पास कुछ कॉइन्स हैं? Of course, everybody has phones these days. आप भूल गए क्या? All right. So मिलिए good good piggy से. India's digital piggy bank and habit builder, good good piggy India का first ed fintech interplay है. Well, you will now get coins directly in your piggy bank. Thank you, Maya. Actually, बच्चों के अंदर एक instant gratification need create हो गई है because touch censorship है ना, you click a button and you get things. So, Good Good Piggy एक ऐसा app है जहाँ पे parents के पास full control है to create habits for the child, behavioral development for the child, while teaching the entire money management equation such as digital savings, digital spending and सबसे जरूरी है earnings. तो ये पॉकेट मनी बच्चे तभी अनलॉक कर पाते हैं जब वो हैबिट्स और अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और अच्छे बच्चे बनते हैं। सो वेल, इट्स अ D2C स्टार्टअप। ऐप से रजिस्ट्रेशन इज सुपर इजी, दो इंटरफेस मिलते हैं पेरेंट एंड चाइल्ड, इनफ कंटेंट है बाहर टू पुट इन एंड मेक अ प्लेलिस्ट फॉर योर चाइल्ड दैट यू वांट हिम टू वॉच। यहाँ पे उनको ये सारे जो इनपुट्स पेरेंट्स ने दिए वो डेली मिशंस की तरह दिखने लगते हैं, विच दे कैन टेल कि उन्होंने करे नहीं करे, दे कैन अपडेट दिस। Now all of this rewards approve हुए तो उनके पास piggy bank में आ जाएगा। Transactions वगैरह बच्चों को भी समझ आता है कि उन्होंने कैसे money in लिया, कैसे money out लिया, which is actually a very common offline behavior जो हम online लेके आए हैं। So Shark, my ask is 45 lakh rupees for 5% of my company. So देर किस बात की Shark, करिए good good investment into good good piggy. Welcome to Shark Tank. Thank you so much. आपकी age 25 years old है। Yes. 25 में आपने fintech का platform भी बना डाला। So we are a very young company. हम prototyping stage पे हैं at the moment. In fact, मेरा nephew है, he's 4 or 5 years old. So I thought कि मैं उससे वो जो souvenir shop पे piggy bank होता है, I'll just take it for him. When I gave it to him, वो सबके पास गया to get coins. But India is in the fintech race. सबने बोला, you know what? Coins नहीं है यार, you know, कोई digital way होता तो। So that was the first time I saw that there's a potential or there's a wide space. So I researched a lot. So basically at 25 you're an underachiever. I would appreciate if you say that. There is more to me. Kamal, I would have never guessed you're 25. So हम product पे आएंगे, हमारे पास यहाँ fintech के गुरु बैठे हैं। I agree. I can see poker face एकदम. It also intimidated me थोड़ा सा पहले. In between my pitch. अभी तो वो शुरू नहीं हुए हैं, but full focus face. आप क्लेम करती हैं कि आप इंडियाज फर्स्ट एड फिनटेक कंपनी हैं। मैं ये बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं एटलीस्ट दो कंपनियों को जानता हूं, एक का नाम है फैनपे, एक का नाम है जूनियर। हमारी टारगेट ऑडियंस प्री टीनेजर्स हैं, ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो टीनेजर्स के लिए हैं। ये बात सही नहीं कर रहे आप। फैनपे अगर आप बोलेंगे टीनेजर्स के लिए, लेट टीन्स के लिए, वो बात मैं आपकी फिर भी मान लूंगा, पर जूनियर का तो कॉन्सेप्ट ही है कि वो तो प्री टीन्स के लिए है। अनुपम और मैं दोनों जूनियो में इन्वेस्टर भी हैं। ये बिल्कुल ही जूनियो से सिमिलर प्रोडक्ट है और इंटरफेस वाइज उससे थोड़ा सा इंफीरियर है। वो बैंकिंग सर्विसेज ऑफर करना चाहते हैं मोर, सो दे आर मोर ऑफ अ फिनटेक। व्हेयरएज़ गुड गुड पिगी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वी आर नॉट जस्ट अ टूल ऑफ अ पिगी बैंक। हमने वो इमोशन या वो एनवायरमेंट ट्रैक करा है कि वो यूज क्यों होता है। सो वी आर मोर ऑन द हैबिट बिल्डर एक्सेस। फिर तो एडटेक हो गए, आप फिनटेक कैसे हुए? एड फिनटेक, आई थिंक पिगी बैंक इटसेल्फ इज अ
वेरी साइलेंट वे ऑफ टीचिंग. आपको डिफाइन करने की जरूरत ही क्यों है? ये तो सिर्फ पैसे उठाने के चोचले हैं. आपके यहाँ पे फिनटेक की नॉलेज किसको है, टेक की नॉलेज किसको है, पहले ये बताइए. तो वेंचर बिल्डर्स हमें हेल्प कर रहे हैं अभी टेक के लिए. वेंचर बिल्डर आपका टेक पार्टनर है प्लस मोर. बट मुझे ना पूर्वा इससे प्रॉब्लम नहीं है. अगर जो ये कह रहे हैं जूनियर अगर कर रहा है तो आप उसका कंप्यूटर बन सकते हो. और कभी कभी क्या होता है ना, अगर कोई आप बड़े बन जाते हो ना तो एक्विजिशन भी हो जाती है, दैट जूनियर माइट एक्वायर यू आल्सो इफ यू आर डूइंग द राइट. और वाइस वर्सा. और वाइस वर्सा. नहीं लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना यहाँ पे पूर्वा, या तो ये एजुकेशन कंपनी बन सकती है कि आप पेरेंट्स और बच्चों को सिखा रहे हैं, या तो एक फाइनेंस कंपनी बन सकती है. अगर दोनों को कंबाइन करेंगे जो जूनियर फैम पे कर रहा है तो अल्टीमेटली इसका डेस्टिनेशन एक ही है, पैसा बनाना है, तो वो नियो बैंक बनेगी. सो मैं विमेन इन टेक की एम्बेसडर हूँ इंडिया के अंदर. विमेन इन टेक हेडक्वार्टर्ड है पेरिस के अंदर. इतनी स्मार्ट और डेप्थ है आप में, फिर भी यू आर लूजिंग मी. आप इतनी सारी जार्गनिश बातें कर रही हैं, मतलब उससे हम नहीं इंप्रेस होंगे. आई थिंक द कोर पॉइंट इज कि आपका टर्नओवर क्या है, और मैं एक लेवल नीचे जाके ये समझना चाहूंगी कि आप पैसे कैसे बनाते हैं. हम लोग अभी प्री रेवेन्यू है. तो प्री रेवेन्यू मैं सबके लिए समझा दूं, प्री रेवेन्यू मतलब जीरो रेवेन्यू. जीरो रेवेन्यू है सर, हम जीरो रेवेन्यू पे हैं. जो हमारा मॉडल है वो एनुअल प्लेटफॉर्म सब्सक्रिप्शन का है. एडटेक के अंदर जनरली अगर आप बात करेंगे गुड प्लेयर्स अ लाख अबव चार्ज कर लेते हैं पर एनम. एंड आई एम समबडी जो बहुत इम्पैक्ट डिलीवर करना चाहता है इन द स्पेस. इनेबलिंग फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है कि आप यूएन एसडीजी मॉडल के 8 एस्पेक्ट्स को इनेबल कर रहे हो आउट ऑफ 17. पूर्वा मैं मेरा डिसीजन बन गया. आप जितना बोलते जा रहे हैं ना, एक बार रेवेन्यू मॉडल इफ यू डोंट माइंड. नहीं, रेवेन्यू तक पहुंचेंगे नहीं, पहुंच ही नहीं पाएंगे हम. देखिए हम सब ना जमीन से धंधा खड़े करने वाले लोग हैं यहाँ पे, ठीक है. हमको ना अंग्रेजी समझ आती है ना जार्गन समझ आती है. अभी आपको बहुत काम करने की जरूरत है ताकि आप में कोई ह्यूमिलिटी आए कि यार एक अंग्रेजी पढ़ने और अंग्रेजी बोलने से धंधा नहीं होता. ग्राउंड अप काम कर रहे 25 साल में कौन सा ग्राउंड अप काम हो जाता है? मेरा को-फाउंडर 25 साल का है. आप उससे बात करोगे ना, वो अगर ऐसा कुछ बोल दे ना, मतलब उसकी खटिया खड़ी कर दूंगा. आपको मैं दो सवाल पूछता हूँ. आप यूएन पेरिस जिनेवा पता नहीं कहाँ पहुंच जाते हैं, हमें पता ही नहीं जगह है कहाँ पे. यहाँ की बात करो ना, गुड़गांव दिल्ली नोएडा दिल्ली के अंदर अगर आप लोग हैं, सुंदर नर्सरी उस टाइम पे हॉटस्पॉट था कोविड के अंदर, जहाँ पे सब लोग आ रहे थे. अमीर लोग पिकनिक मनाने जाते हैं वहाँ पे, सांदिया पीने जाते हैं, कोई वहाँ पे काम की बातें नहीं करता, ठीक है. सुंदर नर्सरी का तो आपने बहुत ही गलत एग्जांपल ले लिया, मतलब ठीक लिया है, मेरा एक पॉइंट सही हो गया. आप फैसिनेटेड हो कि फाउंडर बनना है, इसलिए आप फाउंडर बन रहे हो. आपको भी कोई नॉलेज नहीं है इसकी. लेकिन वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी शायद बन सकती है. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है नेशनल बेंचमार्किंग फाइनेंशियल लिटरेसी में. अनुपम आपको बोल रहे हैं यार, ठीक है इसमें एक पार्ट मेरे को समझ आ रहा है एजुकेशन वाला, उसको लेके भाग लो. आप तो उसका जवाब दे रहे हो नेशनल बेंचमार्किंग ऑफ एजुकेशन. एडटेक मॉडल बहुत स्ट्रांग मॉडल. फिर से एडटेक मॉडल स्ट्रांग मॉडल, भाई क्या करें एडटेक मॉडल. आप जिस बिजनेस में हो ना वो बिजनेस नहीं बन सकता. इस वजह से मैं अभी आउट हूं. सामने टकराने के लिए टीम चाहिए ना, टेक्नोलॉजी चाहिए. इसमें फिनटेक वाला पार्ट नहीं होगा, उसके लिए आपके पास टेक फाउंडर नहीं हो सकता है. अगर टेक फाउंडर लाए जी, आप बात समझिए ना. आप अरे आदमी क्यों नहीं उड़ सकता है यार, नहीं उड़ सकता है. मैं उनको एक ही सकता है, क्या करेंगे अगर ये टेक फाउंडर लेके आए. नमिता मैम को स्टैंडिंग अप फाउंडर लेके आए तो फिनटेक बन सकता है. अच्छा सुनो आप पूर्वा, मैं जब क्रिकेट देखता था ना बचपन में, तो मेरे अंकल कहते थे अरे सचिन को ये शॉट मारनी चाहिए. मैं कहता था अरे
अंकल आप 15 साल से तो आपके पास कोई नौकरी नहीं है, आप सचिन को बता रहे हो कैसे खेलना चाहिए। तो इंडिया में ना लोगों को ज्ञान बांटने की आदत है, बांटेंगे ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है आपके बिजनेस मॉडल में दम है ना, तो आप करो और इस पर लगे रहो मुन्ना भाई। इस टाइम पे मैं आउट हूं, बट ऑल द बेस्ट। मुझे याद है पहली बार मैं माइक्रोसॉफ्ट में प्रेजेंटेशन दे रहा था और रो रहा था मैं उस मीटिंग में, क्योंकि ऐसे मेरे कपड़े उतार लिए थे लोगों ने, बट था मेरे में दम तो फिर यहाँ तक पहुँच गए। तो मुझे लगता है कि एक चांस देना चाहिए आपको। थैंक यू। क्या आप तैयार हैं किसी को 50% इक्विटी देने के लिए? सर इस मॉडल के अंदर तीन लोग मुझे लगते हैं। हाँ या ना बताइए पहले। सबसे इम्पोर्टेंट बातें बड़ी अच्छी करते हो, जवाब नहीं देते हो आप, जवाब प्लीज बी दैट पार्टनर। नहीं, आई कैन नॉट बी, आई एम एन इन्वेस्टर, मेरे को यार लेंस कार्ड चलाना है, मैं यही नहीं चलाना है। आई कैन नॉट बी दैट पार्टनर। तो मैं भी बाहर हूँ पूर्वा, और एडटेक और फिनटेक के वर्ड्स को अपनी डिक्शनरी से हटा दो, बस यही कहना चाहता हूँ। पूर्वा, वन थिंग आई लाइक टू से, इतना हार्श फीडबैक लेकर भी आपके मुंह पे एक स्माइल है, आई वुड लाइक टू स्टैंड एंड क्लैप फॉर दैट। थैंक यू सो मच, आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक। मैं इस वजह से आउट हूँ कि मैं आपको एक साल बाद मिलना चाहूंगी जब आपके पास रेवेन्यू होगा, क्योंकि एज अ प्रिंसिपल मैं प्री रेवेन्यू में इन्वेस्ट नहीं करती हूँ, right? But keep up the josh and take the feedback positively. Definitely. 100%. To become a better person and a better company. Thank you so much. I really appreciate it. Bye. Well done. Thank you so much, ma'am.